ये बैंक लिंक सब्सिडी लोन्स। सर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू। एज ऑफ नाउ मोर देन 2 लाख एप्लीकेशंस हैव बीन रिसीव्ड। सर फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स फॉर दिस बैंकेबल स्कीम्स द एप्लीकेशंस वेर नाइदर कॉल्ड नॉर एनी लोन वॉज रिलीज। सर तो अब हुकूमत ने दरखास्तें बुलाई हैं जिसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने फंड्स को रिलीज किया है। मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि जितनी दरखास्तें आई हैं इन दरखास्तों को अगर हम सबको क्लियर करते हैं तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा अमाउंट होना पड़ेगा। कम से कम आप 200 करोड़ रुपया अगर देंगे तो एटलीस्ट वी विल बी इन अ पोजिशन टू क्लियर सम मोर देन 30,000 अप्लीकेशन फॉर दिस लोनिंग स्कीम। सर ये गाड़ियां देते हैं टैक्सी वो भी है वैसी रखी हुई है और स्किल ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। सर अर्लियर ऑल्सो सर आई हैड मेड अ रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट टू काइंडली हैव अ कोलैबोरेशन बिटवीन द माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन नैक एंड निफ्ट कैन हैव अ कोलैबोरेशन एंड अ नैक नेशनल अकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन दे हैव स्किल डेवलपमेंटल प्रोग्राम। सर वन सेंटर इज देयर इन ओल्ड सिटी, नैक का एक सेंटर है सर चंद्रायन गुट्टे में मेरे एरिए में। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन कैन टेक ओवर दैट सेंटर एंड रन द क्लासेस एंड ट्रेन द अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ ओल्ड सिटी सो दैट जॉब्स कैन बी गिवन टू देम। सर तो मैं बार बार कह रहा हूं इसमें फाइनेंशियल कोई नहीं है। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में हम ट्रेन करते हैं बच्चों को और स्टडी सर्कल्स के बारे में भी हमने रिक्वेस्ट किया था। And sir, going further ahead, I do not want to go much further, sir. Lastly, sir, I had requested and I had said about the irregularities happening in workboard, sir. Sir, bolne ke baad, Chief Minister saab ne workboard ke record room ko band kar diya tha. Sir, aaj tak bhi wo record room band hai. Jabhi bhi zarurat padti hai, to Hyderabad collector se ek aadmi aate hain, kholte hain. कागज निकालते हैं, इसकी वजह से काफी तकलीफ हो रही है। सर ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर गेटिंग डिजिटलाइज्ड, लेकिन ये रिकॉर्ड रूम बंद रहने की वजह से वक्फ रिकॉर्ड को डिजिटलाइजेशन भी नहीं किया जा सक रहा। मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि आप वो रिकॉर्ड रूम को खुलवा दीजिए, उसकी पूरी ऑडिटिंग करवाइए, नंबरिंग करवाइए, खोलने के बाद कौन से पेपर्स थे। नहीं तो क्या बोलेंगे सर वो लोग, बंद था इसलिए पेपर्स गायब हो गए। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि आप उसके ऊपर भी देखें। और रहा सवाल पुराने शहर के डेवलपमेंट के ताल्लुक से, जीएचएमसी एरिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूट के डेवलपमेंट के ताल्लुक से, सर ऑनरेबल स्पीकर सर आई थैंक यू वेरी मच सर। सर ऑन द अश्योरेंस गिवन बाई यू ऑनरेबल Minister for Municipal Administration, Mr. K.T. Ramarao Saab had called a meeting yesterday, sir. We had a elaborated discussion of 6 hours, sir, and I would like to come on record and go on record and say that it was a very fruitful meeting aur kamyab meeting hui. Purane Sheher ki awam se kehna chahta hu ke itni manzooriyan di mili hai aur itni baaton ko qubool kiya gaya hai ke inshaallah aane wale kal mein naye sheher aur purane sheher mein koi farak nahi rahega, purana sheher bhi aage badhkar jayega. Main KT Ramarao saab ka, chief minister saab ka, KCR saab ka shukriya ada karta hu ke 6 hours meeting hui hai aur phir se main aapke zariye hukumat se darkhwast karunga कि हैदराबाद मेट्रो ट्रेन के बारे में जल्द अज जल्द शुरू करिए। तयखुन दिया गया कल की मीटिंग में, फिर से कहूंगा कल की मीटिंग में हमने जिक्र किया, तस्करा किया, बहस भी की। बहुत बड़ा मसला है पुराने शहर का और वो है नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट का। सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया हाउस में कि ऑल द नोटराइज डॉक्यूमेंट विल बी ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। मीटिंग आर गोइंग ऑन और बातचीत हो रही है, रास्ता निकाला जा रहा है। सर अंडर द जीओ 58 एंड 59 बहुत से पेंडिंग हैं और कुछ पैसे ज्यादा हैं, तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि फिर से 59 और 58 का रिव्यू कर उसको खत्म करें। और ऑनरेबल स्पीकर सर, थ्रू यू सर आई वुड लाइक टू मेक अ रिक्वेस्ट वंस अगेन। सर आई कम फ्रॉम ओल्ड सिटी। सर ओल्ड सिटी में सर मुसलमान नहीं, ओल्ड सिटी में
हिंदू भाई भी रहते हैं, क्रिश्चियन भाई भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई सब रहते हैं। सर हमारे हिंदू भाइयों का एक बड़ा मसला जो मुसलसल नुमाइंदगी कर रहे हैं वो लाल दरवाजे की मंदिर का इशू है। कई दिन से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने 20 करोड़ रुपया मंजूरी दी थी। मैंने श्रीनिवास यादव साहब से भी बात की है इस ताल्लुक से। श्रीनिवास यादव साहब ने कहा कि बराबर बैठकर करेंगे, वहां के जो हेड पुजारी है वो सारे लोग मुझसे मिलकर फिर से बोले हैं अकबर साहब कि प्रॉमिस हुआ था, सैंक्शन हुआ है, मीटिंग्स हुए हैं, अभी काम होना बाकी है, प्लीज उसको स्पीड अप कर जल्दी करवा दीजिए। और कल्याणा मंडपम के लिए भी जो मनादिर में मंडपम की मंजूरी दी गई थी, कल्याणा मंडपम की, वो काम भी पेंडिंग है, जरा उसको भी अगर आप स्पीड अप कर देंगे तो हमारे हिंदू भाइयों में भी ये बात आएगी कि ये गवर्नमेंट और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सबको साथ लेकर चलती है। और मैं ये कहना चाहता हूं पुराने शहर के मेरे हिंदू भाइयों से भी कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हर एक की नुमाइंदगी करती है। हमारा दिल और हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जिस तरीके से मुसलमान हमसे आकर अपने मसाइल को पेश कर सकता है, हमारा हिंदू भाई भी आता है, पेश करता है, हम उनके लिए भी लड़ेंगे, उनके हक की लड़ाई भी लड़ेंगे। और पुराने शहर को डेवलप करते हुए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी तरक्की को हम आगे लेकर जाएंगे। और मैं फिर से फाइनेंस मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि आप प्लीज उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर, उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर कर दीजिए। इतने दवाखाने रियासत में आ रहे हैं, इतने मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। मैं जानता हूं एक मेडिकल कॉलेज बनाना कितना मुश्किल होता है, एक दवाखाना चलाना कितना मुश्किल होता है। आपने बहुत बड़ा चैलेंज लिया है, हमारी जानिब से हम पूरा सपोर्ट आपको करेंगे और आपके इस मिशन में आपको कामयाबी के लिए हम ताउन भी करेंगे, दुआ भी करेंगे। उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर को ले लीजिए। और उसके साथ साथ चार मीनार का दवाखाना है, चार मीनार हॉस्पिटल का भी है, वो यूनानी एजुकेशन का, उस ताल्लुक से भी मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि उस पर भी गौर करें। और फिर मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से फंड्स दिए जा रहे हैं माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए, स्टेट का शेयर होता है, काइंडली रिलीज द स्टेट शेयर सो दैट द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल्स फॉर माइनॉरिटी is not halted or delayed, sir. It is very important. और मैं हुकूमत का मुबारकबाद दूंगा कि हुकूमत ने बहुत ही कामयाबी के साथ रेजिडेंशियल स्कूल्स को चला रही है। रेजिडेंशियल स्कूल्स कामयाब हुए, रेजिडेंशियल स्कूल्स जूनियर कॉलेजेस में तब्दील हुए और फिर ये जूनियर कॉलेजेस अब डिग्री कॉलेजेस में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा। उसके साथ साथ मैं कहूंगा कि स्कूल एजुकेशन के ऊपर भी थोड़ा सा तवज्जो की जरूरत है। टेक्निकल एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज में कई वैकेंसीज हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इस पर भी जरूर गौर करेगी। और आखिर में सर मैं आई मस्ट ऑल्सो पॉइंट आउट दैट नॉट ऑल एलिजिबल jobless youth in the state have been provided with jobs in the private or government sector. There are lakhs of educated and other jobless youth who are eagerly waiting for the unemployment dole of rupees 3016 per month promised by the TRS, now BRS, at the time of 2018 assembly poll, sir. So however, the finance minister saab has disappointed the state youth, and I don't find any reference about this in the budgetary allocation for this scheme in the 23-24 budget speech, sir. Sabko de rahe hain, is taluq se bhi hamdardana gaur karne ki main appeal karta hoon, kyunki berozgar naujawan bahut hain. Aur uske sath sath, sir, I would request the finance minister saab to clarify when this scheme would be initiated and started, sir. Aur jitne bhi masail humne uthaye hain us taluq se, मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत संजीदगी के साथ हमारे उठाए हुए मसाइल पर गौर करेगी। और स्पीकर साहब, आपने जो मुझे मौका दिया है, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।